हाँ जी, क्या हाल चाल? सब कुशल मंगल? चलिए भाई, आज जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे आपके नवंबर एग्जाम से पहले, तो आज ये क्लिपिंग उसी टेस्ट सीरीज के अनाउंसमेंट के लिए है जिसमें हम सीए इंटर और सीए फाइनल के बच्चों के लिए ये टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। एंड जिन बच्चों का नवंबर 2019 अटेम्प्ट है, मैं चाहूँगा कि वो ये जरूर दें, ये टेस्ट जरूर दें। ये चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। इन टेस्ट को सॉल्व कैसे करना है, आपको केस स्टडीज दी होगी, केवल केस स्टडीज के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये मैं कहूँगा कि सारा प्रोसीजर किया जा रहा है, ताकि आप मेरा मेन पर्पज़ यहाँ पर प्रेजेंटेशन सिखाना नहीं है, नहीं कैसे प्रेजेंट करना है ये नहीं है, चाहे इंटर हो या फाइनल, मेरा प्रेजेंटेशन देखना या सिखाना यहाँ पर पर्पस नहीं है, वो अलग यूट्यूब की वीडियो के थ्रू मैं कर रहा हूँ। मेरा इनके थ्रू मेन पर्पस, टेस्ट सीरीज के थ्रू मेन पर्पस है कि अगर वहाँ पर आपको केस वहाँ दिख जाए, तो केस के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, कौन सा सेक्शन लगना है, एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे आपके चैप्टर तैयार हो गए हैं, मैं चाहूंगा इस सीरीज के अनुसार, जो कि सीरीज में आपके स्क्रीन पे सामने दी हुई है, मैंने हर टेलीग्राम पेज पे भी ये अपलोड कर दी है, मैं चाहूंगा कि आप इसे अपनी तैयारी के रूप में देखें। जैसे अभी मैंने टेलीग्राम पेज पे अपलोड की ना, एक दो बच्चों का मैसेज आया कि सर, डोंट यू थिंक कि इट इज टू लेट फॉर नवंबर अटेम्प्ट? आई वुड से एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई है, और ये एग्जाम के दिनों में ही लगभग 15-20 दिन पहले ही रखने का पर्पस क्या था, वो यही कि टेस्ट देने का लॉजिक तब बनता है जब आप अच्छे से पहले रिवीजन कर चुके हो और अब आप अपने कॉन्सेप्ट को चेक करना चाह रहे हो। क्योंकि अगर मैं इसे 1 महीना या 1.5 महीना पहले लेता तो क्या होता, आप लोग इसके क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन वीडियो देखते, अच्छा महसूस करते, उसे रख देते, क्योंकि उस टाइम आपकी रिवीजन नहीं कंप्लीट हुई थी। मुझे लगता है आज की डेट में रिवीजन कंप्लीट होगी, तो इसलिए इसी पर्पस से मैं ये टेस्ट सीरीज अब लॉन्च कर रहा हूं। हम स्ट्रिक्टली इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं फाइनल वालों की बात करूंगा, तो फाइनल का ध्यान रखना, पहला टेस्ट जो होगा वो आईबीसी प्लस सेबी पे 14 अक्टूबर से हम लोग शुरू करेंगे। ऑल्टरनेट डेज में टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि 14 को अगर फाइनल का टेस्ट है तो मैं कह सकता हूं 15 को पहला टेस्ट शुरू हो जाएगा इंटर का, फिर 16 का फाइनल है तो 17 का इंटर है। इस तरीके से मैं चाहता हूं कि आपके पहले एग्जाम से पहले ये टेस्ट सीरीज खत्म हो जाए, और मेरा पर्पस ये रहा है, मेरा पर्पस ये रहा है 26 अक्टूबर को बस ये टेस्ट सीरीज खत्म कर देने का, कि आपके पहले पेपर से पहले अगर आप किसी और सब्जेक्ट में कोई और राउंड भी लगाना चाहते हैं या पूरे लॉ को भी एक राउंड लगाना चाहते हैं तो लगा पाए, आपके पास सफिशियंट डेज रहेंगे। लगभग 27 अक्टूबर से लेकर 30 या 31 अक्टूबर तक आपका लास्ट राउंड ऑफ रिवीजन, जो कि थर्ड या फोर्थ राउंड ऑफ रिवीजन होता है, वो लगना चाहिए, और फिर उसके बाद पहले पेपर की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। 31 से 1-2-3 ऐसे करके जो लास्ट के 3 या 4 दिन हैं वो पहले पेपर की तैयारी के लिए रखने चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने 26 अक्टूबर को इसे खत्म किया है। जिन खास बातों का ध्यान रखा गया वो ये है कि दोनों ही टेस्ट सीरीज के अंदर, चाहे इंटर हो या फाइनल हो, लगभग 80% सिलेबस, 75 से 80% रादर सिलेबस को कवरेज करने की कोशिश की गई है। जहां पर 75 to 80% का पेपर बनता है वो चैप्टर्स उठाने की कोशिश की गई है। तो मैं कह सकता हूं कि टेस्ट सीरीज के बाद आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, एंड होपफुली आप ये टेस्ट सीरीज जरूर देंगे। इंटर वालों, आज जब मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ तो 10 अक्टूबर है, आज आपका एमटीपी था, अपने वादे के मुताबिक मैं 11 अक्टूबर को, आप देख रहे होंगे, कल हम उसकी डिस्कशन करेंगे जो एमटीपी आईसीएआई ने दिया है। हालांकि उसका लेवल इस बार कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं आया, बड़ा एवरेज लेवल आया है, और अच्छी बात है अगर एग्जाम भी मोर और लेस इसी लेवल का देते हैं तो। बट फाइनल वालों, अगर मैं बात करूं आपकी, तो 13 अक्टूबर को आपका, 12 अक्टूबर को एमटीपी है आईसीएआई में। मैं अगेन रिकमेंड करूंगा, अगेन हाईली रिकमेंड करूंगा सीए फाइनल वालों की आप वो टेस्ट जरूर दें। और 13 अक्टूबर को हम डिस्कशन करेंगे, होपफुली अगर आईसीआई बहुत अच्छा एमटीपी मुझे लगता है बनाएगा फाइनल लेवल पे, और 13 अक्टूबर को हम उस एमटीपी पे अच्छी खासी डिस्कशन करेंगे कि इसका कौन सा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था। तो इन सब बातों के साथ अगेन मैं आप
की तैयारियों के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छे से तैयारी करें, अपना ख्याल रखना एग्जाम के दिनों में, अच्छे से तैयारी करना। और आखिरी बात, क्या मई 2020 या नवंबर 2020 अटेम्प्ट वाले भी जिनकी प्रिपरेशन चल रही है, क्या वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं? द आंसर इज यस। हर वो व्यक्ति जिसका अटेम्प्ट मई 2020 नवंबर 2020 है, और अगर उनके इनमें से कोई भी चैप्टर हुए हैं, तो वो अपने गट्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर, क्योंकि इसमें हर चैप्टर पे अच्छी खासी केस स्टडीज आएगी। मेरा पर्पस हर तरीके के सेक्शन के ऊपर बनने वाले कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आप टैकल कर सकें, ये दिखाना है। चलिए, इन सब बातों के साथ मैं अगेन आपकी तैयारियों के लिए, आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब हम इस टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन के साथ आप मिलते रहेंगे। अगली बात, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक रह गई। देखो सर, ये टेस्ट सीरीज हमें अटेम्प्ट कैसे करनी है? जैसे मान लीजिए 14 अक्टूबर को टेस्ट सीरीज है आईबीसी पर प्लस सेबी पर, इंटर वालों तुम भी ध्यान से सुनना, ये टेस्ट आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा amitpupliclasses.com पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये टेस्ट, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा मैं जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गई बात। सुबह ये टेस्ट अपलोड होगा 8 से 10 बजे के बीच में, और इवनिंग में इसकी वीडियो आएगी YouTube चैनल पर इनकी वीडियो आ जाएगी। सेम अप्लाइज टू इंटर एज वेल। ठीक है जी, तो थैंक यू अगेन, गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, खुश रहो।